आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, एक अधिशोषण प्रयोग में लॉग एक्स बटा एम लॉग पी के मध्य ग्राफ खींचा गया जिसमें 45 डिग्री है, ये प्रतिशत नहीं होगा, 45 डिग्री ढाल के रेखीय प्राप्त होता है। अक्ष पर अंतःखंड 0.301 प्राप्त होता है। 3 एटीएम दाब के अंतर्गत चारकोल के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होगा, गणना कीजिए। तो सबसे पहली बात, हेंड्रिक अधिशोषण का जो एक समीकरण है, वो समीकरण क्या होता है, x बटा में m इक्वल टू k p का घात 1 बटा में m, यानी अधिशोषण का दर और दाब के बीच में ये एक समीकरण था। अब हमको लॉग लिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारा, लॉग एक्स बटा में एम और ये हो जाएगा लॉग के इंटू पी का घात 1 बटा में एम। लॉग का कुछ गुण होता है कि लॉग का अंदर अगर दो चीज गुणा में आ जाए तो लॉग लेने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में परिवर्तित हो जाता है, ये प्लस में हो जाएगा और जो घात होता है वो नीचे उतर जाता है, गुणा में आ जाता है, ये लॉग पी। ठीक है, अब ये क्या है, लॉग एक्स बटा में एम। अगर हम इसका समीकरण का देखें, किससे तुलना करें, तो इसको हम वाई मान लेंगे क्योंकि वर्सेस से परे किसके बीच में खींचा गया है, इसको वाई मान लेंगे, लॉग एक्स वाई है, लॉग के ऐसे ही रहेगा और लॉग पी को एक्स मान लेंगे, एक बटा में एम इंटू एक्स। तो देखिए जो एक्स का गुणक होता है वो ढाल क्या होता है हमारा, वो ढाल होता है, ढाल, ये ढाल मतलब टैन थीटा, ये टैन थीटा कितना आ गया, एक बटा में एन आ गया, जो एक्स का गुणक होता है वही ढाल होता है। और अंतःखंड कितना है इसका, अंतःखंड किसके बराबर है, लॉग के बराबर। अब हमारा प्रश्न में दे दिया गया था ढाल 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब टैन 45 डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा, एक बटा एन के बराबर आएगा, और हम जानते हैं कि टैन 45 कितना होता है, एक होता है, तो एक इक्वल टू एक बटा में एन, तो एन का मान कितना आ गया, यहाँ से एक आ गया। और दूसरी चीज, अंतःखंड दे रखा है यानी लॉग के का मान दे रखा है 0.301, तो हम जानते हैं कि लॉग 2 का मान 0.301 होता है, तो के कितना हो गया, 2 हो गया, तो एन का मान पता चल गया और के का मान पता चल गया, तो हमको एक्स बटा एम का सूत्र क्या था, के पी का घात 1 बटा में एन। ठीक है, और हमको 3 एटीएम पर पूछा गया है, दाब 3 एटीएम पर, जब पी का मान कितना हो, 3 एटीएम हो, तो यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए एक्स बटा एम कितना आएगा, के का वैल्यू निकाल चुके हैं 2 और पी के जगह पे 3 और एन का मान 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 6 एटीएम। ठीक है ना, यानी कि 6 हो जाएगा हमारा, इसका अधिशोषण का दर 6 आ जाएगा। तो इससे क्या पूछा गया था, अधिशोषित गैस की मात्रा ना, तो अधिशोषित गैस की मात्रा कितना हो जाएगा, 6 हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।